नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात करने वाले हैं वेट गेनर को लेकर। आज इत्मीनान से बैठ के बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे भारत में कहा जाता है कि जब भी बात करनी है तो इत्मीनान से बैठकर बात कीजिए। तो आज इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे वेट गेनिंग को लेकर। तो दोस्तों, जिम में अधिकतर तो ऐसे लोग आते हैं जो जिन्हें फैट बर्न करना रहता है या मसल मास बढ़ाना होता है, लेकिन आपके जिमों में कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो वेट जो है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिम ट्रेनर या आपके डाइटिशियन आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको वेट गेनर लेना चाहिए। तो आज जानते हैं कि ये जो वेट गेनर है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, किसे इसे लेना चाहिए, इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, या इसकी जो यदि आप इसे लेते हैं तो इसकी सर्विंग जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि वेट गेनर क्या है। दोस्तों, वेट गेनर जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि एक कार्ब का एक पूरा सोर्स है। जी हाँ, मेनली इसमें जो होता है उसमें ये इसमें कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी और फ्यूल का काम करता है। तो इसलिए वेट गेनर में मेनली जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में इसमें प्रोटीन भी डाला जाता है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो लगभग 20-30% के करीब इसमें प्रोटीन होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और अदर इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका वेट गेनर का मेन काम। बात आती है कि इसे किसे लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, जैसे कि यदि हम बात करें, यदि आप 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच के हैं, 5 फीट के हैं, और आपका वेट जो है वो लगभग 50 या हम 55 भी बोल सकते हैं, 55 से ब्लो है, और आपका वजन यदि बहुत कम है, आप बहुत दुबले दिख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वेट गेनर ज़रूर लेना चाहिए। तो वेट गेनिंग का जो तरीका है वो यही है कि आपका आप में दुबलापन होना चाहिए और साथ में ही आपका जो वेट है वो काफ़ी कम होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दुबले जो हैं वो वेट गेनर ले सकते हैं। एक अच्छी लीन मसल वाला व्यक्ति या जिसकी मसल मास बहुत अच्छा है उसे वेट गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आती है कि क्या वेट गेनर के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वेट गेनर भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें मेनली जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलाया जाता है और प्रोटीन जो होता है मिलाया जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो वे ही होता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये इसमें जो कार्ब डाला जाता है वो बहुत ही प्लेन कार्ब होता है जिसमें कि आप का बॉडी जो है बहुत इजी जिसे डाइजेस्ट करता है, जिससे पचाने में बॉडी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए वेट गेनर को वेट गेनिंग के लिए बहुत बेस्ट माना गया है। हाँ, अब बात करते हैं कि चलिए, हमने वेट गेनर तो ले लिया है, हम दुबले पतले हैं, स्किनी फैट वाले हैं, बहुत दुबले हैं, और हमें वेट गेनर जो लेना है तो उसे लेना कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हर कंपनी के वेट गेनरों में अलग अलग टाइप से इसकी सर्विंग साइज़ दी हुई होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन बेस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप यदि आप लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो वेट गेनर को लेने का बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है पहली मील बिफोर वर्कआउट। जी हाँ, आप यदि प्री वर्कआउट में यदि वेस्ट वेट गेनर लेके आएंगे तो आपको वो बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा। आप यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्कआउट करेंगे, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लोड मिलेगा, अच्छा खासा आपकी बॉडी में ग्लूकोज रहेगा, आप वेट को लिफ्ट करेंगे, आपकी मसल मास जो है इससे बढ़ने लगेगा। अगली मील जो होती है इसे आपको वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। जी हाँ, अगली मील जो होती है वो दूसरी मील जो होती है उसे वर्कआउट के 1 घंटे बाद आप फिर ले सकते हैं। तो ये 2 मील तो है जो आपको लेनी ही चाहिए। नॉर्मली जो सर्विंग जो होती है जो उसमें दिया हुआ रहता है वो कभी 2 ही सर्विंग दी हुई होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वेट गेनर को कम से कम 2 बार तो ज़रूर यूज़ कीजिए, और तीसरी जो है वो मील जो होती है इसे आप रात में सोते समय, जी हाँ, आप जब रात में सोते हैं इस समय में वेट गेनर को ज़रूर यूज़ कीजिए।
तो एक वर्कआउट आपकी प्री वर्कआउट हुई, एक आपकी पोस्ट वर्कआउट डाइट हुई, और तीसरी जो होती है वो आपकी मील जो होती है आपकी नाइट में डिनर के साथ होनी चाहिए। तो ये हुई तीन मील जो है आपको वेट गेनर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा चूँकि आपको वेट गेनिंग के समय में कैलोरी सरप्लस होना पड़ता है, इसलिए आपको जब भी आप वेट गेनर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप वेट गेनर को दूध के साथ यूज़ कीजिए, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा और साथ में आपको इसके साथ में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिलेगी, और हो सके तो इसमें केले को ऐड कीजिए, चोको चिप्स को ऐड कीजिए, जिससे आपके रिजल्ट जो हैं वो और बेस्ट होंगे, आपकी कैलोरी और ज़्यादा सरप्लस होगी। तो गेनिंग में इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी सरप्लस होना, तो कैलोरी यदि आप सरप्लस होना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ऐड कीजिए। अब बात आती है कि मैंने बता दिया कि प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और नाइट में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यदि शाम को वर्कआउट कर रहा है तो उसे कैसे लेना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखिए कि वेट गेनर जो है वो हमेशा सरप्लस कैलोरी का काम करता है, तो इसे एम्प्टी स्टमक जो है यूज़ मत कीजिए। सपोज़ आप मॉर्निंग में उठे हैं और आपने तुरंत में वेट गेनर ले लिया है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उस समय कैलोरी की ज़रूरत है, उसी समय उसको ले लेगी, खींच लेगी, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेस्ट है आप अच्छी खासी, जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आपका पेट भरा हुआ है, उसके बाद यदि आप गेनर लेंगे तो आपकी बॉडी में कैलोरी जो है वो ऐड रहेगी, सरप्लस रहेगी। तो ये है बेस्ट टाइम। यदि आप इवनिंग में यदि वर्कआउट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद आप इसको लीजिए, या फिर और उसके अलावा आपको प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट तो इसे लेना ही है। अब यदि आप इवनिंग में यदि करते हैं तो आप वर्कआउट करने के बाद में आप जैसी बात है आपको शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो आप जाके जब आपका डिनर होगा तो डिनर के बाद में आप इसको ले लीजिए। तो कम से कम तीन सर्विंग जो है वो होनी चाहिए वेट गेनर की, जो आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आज के समय में क्रिएटिन भी ऐड हो रहा है वेट गेनर के साथ, जो बहुत अच्छी बात होती है। क्रिएटिन भी यदि आपको ऐसा वेट गेनर मिलता है जिसमें क्रिएटिन ऐड है तो उसे परचेज़ कीजिए, वो आपको और भी बेहतर रिजल्ट देगा। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।